नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्निकल सुबोधी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिर्फ नाम डालकर आधार नंबर कैसे पता करना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिर्फ नाम डालकर आधार नंबर कैसे पता करना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था सिर्फ नाम डालकर आधार नंबर कैसे पता करना है, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर अब जो है ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आधार कार्ड का जो पोर्टल है उसमें जो है सिस्टम आगे पीछे कर दिया है, जो 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 ऑप्शन है ऊपर में था उसको अंदर में कर दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग को वो ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये वीडियो हम आपको बना रहे हैं और बता रहे हैं कि अब जो है आप 2022 में और लास्ट महीना है ये, और कैसे आपको जो है अपना आधार नंबर सिर्फ नाम से पता करना है। तो इसमें बहुत आसान है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग को मिल ही नहीं पा रहा है, तो कमेंट आ रहा है, तो इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको सर्च करना है, आधार कार्ड लिख देना है। गूगल में आपको आधार कार्ड लिखना है और सर्च कर दीजिएगा। आपके सामने आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे दूसरा पेज खुलेगा। अब आपको यहाँ पे अपना भाषा सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे वेलकम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ नाम से आपको आधार नंबर पता करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आधार सर्विस। आधार सर्विस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। आधार सर्विस वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था, एक साल पहले वाला वीडियो में, तो ऊपर में ही ऑप्शन था, वो अब जो है वो नीचे कर दिया, यहाँ पे कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए, आधार सर्विस के अंदर में ये ऑप्शन आपको मिलेगा, रिट्रीव लॉस्ट फॉरगेट का। यहाँ पे देख सकते हैं, रिट्रीव आधार फॉरगेट, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब देखिए, यहाँ पे आ गया है ऑप्शन, आपको सिर्फ नेम, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड और OTP, ठीक है। तो देखिए, जिसका आप आधार नंबर पता करना चाहते हैं नाम से, उसका नेम यहाँ पे आपको टाइप कर देना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको ये कैप्चा जो है WSBN8I, ठीक है, ये कैप्चा मैंने दे दिया। उसके बाद ये वाली बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। तो चलिए, हम यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे वन टाइम OTP आएगा, ठीक है। देखिए, OTP आ चुका है, 31042, ठीक है। OTP देने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं, योर आधार नंबर सेंड रजिस्टर मोबाइल नंबर, ठीक है। मतलब आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आधार नंबर सेंड कर दिया गया है, ठीक है। अब आपका जिस नंबर पे आपको OTP आया था, उसी नंबर पे आपको आधार नंबर आ जाएगा 1 से 2 मिनट में। अगर पहले बार में आधार नंबर नहीं आता है तो आपको दूसरी बार रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए, मैं वेट कर लेता हूँ आधार कार्ड का, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं SMS आ गया है हमारा, नो मतलब जस्ट मैसेज आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जस्ट SMS आया है, आप देख सकते हैं ये है हमारा आधार कार्ड नंबर, ठीक है। अभी OTP आया था और ये आपका आधार नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यही है आपका आधार नंबर, ठीक है। तो गाइज, इस तरीके से आप आधार नंबर पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब लोग पता नहीं कर सकते हैं। जिसका मोबाइल नंबर आधार में लिंक होगा उसी को पता चलेगा, दूसरे आदमी का OTP ही नहीं आएगा, और जब OTP नहीं आएगा तो आधार नंबर पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको टेंशन लेना नहीं, आपको आधार नंबर इस तरीके से मिल जाएगा।